का कुरुक्षेत्र। बाबा की नगरी में दो दिन तक मोदी मोदी यानी कि नमो नमो होता रहा। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वाराणसी जो काशी है उसमें नमोत्सव की धूम देखने को मिली। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे जो नमोत्सव मनाया गया यानी कि जो मोदी मोदी दो दिन तक पूरे वाराणसी की जनता ने किया उसका क्या पैगाम, उसका क्या संदेश जनता के बीच में गया और खासकर वाराणसी में उसका कितना असर देखने को मिला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। प्रमोद मिश्रा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है, राघवेंद्र चौबे हैं कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से रविकांत विश्वकर्मा जी हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से जो समाजवादी पार्टी से अलग होकर शिवपाल यादव ने जो पार्टी बनाई है उसके हरीश मिश्रा जी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी जो चैनल है हमारा सहयोगी चैनल न्यूज एक्स उसके पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश पांडे जी और अरुणदाता के पास जाऊंगा। ब्रजेश जी सबसे पहले आपसे यही सवाल, दो दिन तक नमोत्सव बनाया गया मोदी मोदी की धूम, क्या पैगाम गया होगा जनता के बीच में? देखिए ये साफ है कि जब एक चुनाव लड़ने का एक जो तरीका होता है, एक वेल ऑयल मशीनरी जिसे हम कहते हैं, उसको सबसे ज्यादा परफेक्ट पिछले पांच सालों में हमने देखा। 2014 में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि किस तरह बीजेपी जो राम जन्मभूमि के मूवमेंट के टाइम पे सिर्फ 58 सीट ले पाई थी, क्या उससे बेहतर कर पाएगी बीजेपी, क्या भाजपा करीब 40 के करीब भी पहुंच पाएगी या नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अलावा वाराणसी से चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया और सबके सामने उसका परिणाम है 71 सीट जो सामने आई। 71 सीट वो आज तक की भाजपा के लिए अप्रत्याशित थी। 2017 में भी हमने देखा प्रधानमंत्री ने यहीं से बीएचयू के सामने लंका गेट से अपना रोड शो शुरू किया, तीन दिन तक वो बनारस में रुके और जिस तरह से जो परिणाम आया वो भाजपा के आज तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। तो भाजपा 325 सीट के लेके आई, तो इससे साफ है कि ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा जो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही कि शायद पिछली बार से गठबंधन के मुकाबले थोड़ा कम ले पाए, जिस तरह का उत्साह और जिस तरह की कल जितने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दिखी, 43-44 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद वो घंटों इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री का, जिस तरह का रिएक्शन था उससे ये साफ है कि जो स्ट्रेटेजी है वो कमोबेश इस बार भी सफल होती नजर आएगी। यतेंद्र बिल्कुल देखते हैं कि सफल होती नजर आती कि नहीं आती, तो आने वाला समय बताएगा। अरुणदाता 43-44 डिग्री का टेम्परेचर, चुनावी गर्मी भी और ऊपर से मौसम की गर्मी भी, क्या असर पड़ेगा आपकी जनता के बीच में या गर्मी सर चढ़ के बोलेगी? देखिए जिस तरह से कल जो बीजेपी ने यहां पर दो दिन जो पूरा अपना रोड शो, कल रोड शो था और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपना नॉमिनेशन फाइल करना था, तो कहीं ना कहीं उनका जो मेन मकसद था वही यही था कि जितना ज्यादा हो सके इस मौके का फायदा उठाया जाए। उसी के चलते जिस तरह से कल रोड शो ऑर्गेनाइज किया गया, आपने देखा होगा कि पूरा जो गलियां थी बनारस की वो पूरी तरह से खचाखच लोगों से भरी हुई थी और उसके बाद जो है शाम को मोदी जी ने जब पूजा की घाट पे तो वहां भी काफी ज्यादा लोग थे। और आज अगर आप देखें जितनी जो एनडीए में जितनी भी पार्टियां हैं वो तमाम उसके नेता, खासतौर पर प्रकाश सिंह बादल जैसे नेता, आप देख सकते उम्र दराज नेता, वो आपको ऐसे पब्लिक में नहीं दिखेंगे लेकिन वो भी यहां पर मौजूद थे। और जब प्रधानमंत्री मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, आपने देखा जिस तरह से तमाम जो नेता थे वो तमाम नेता वहां पर बैठे हुए थे, ये दिखाने की पूरा मकसद था कि एनडीए जो है वो एकजुट है और खासतौर पर आने वाले समय में अगर कभी बीजेपी को जरूरत पड़ती है किसी अलायंस की, उनके लिए भी एक मैसेज था कि ये हमारा एनडीए कुनबा है और किस तरह से हम इसको साथ लेके चलते हैं। और पहले जैसे हमेशा बात भी उठी है कि शायद एनडीए में कुछ चीजें ऐसी हैं जो ठीक नहीं है, उसको भी आज बीजेपी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि नहीं, हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं और उसी के चलते आज जो है वो तमाम बड़े नेता जो एनडीए घटक दलों के हैं वो यहां पर मौजूद थे। ठीक है, यानी कि पूरा एनडीए एकजुट है, इस तरह का मैसेज दिया गया। सवाल बीजेपी से, लेकिन दो दिन बीजेपी छाई रही है मोदी की वजह से, इसमें पहला सवाल समाजवादी पार्टी से करता हूं। रविकांत जी एनडीए तो एकजुट नजर आ रहा है लेकिन जो एक महागठबंधन की शक्ल अख्तियार होनी थी उसमें आपने अपने एक अहम सहयोगी को पीछे छोड़ दिया, क्या ये अहम सहयोगी आपके लायक नहीं थे या बीजेपी को कुछ फायदा देना था इसी वजह से एक को रखा गया वो वोट काटने के काम आएगा? नहीं, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपने दल के लिए काम करेंगे, हम लोग अपने महागठबंधन के लिए काम करेंगे। रही बात, महागठबंधन बहुत ही मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है और आने वाला समय बताएगा कि क्या स्थिति है। और ये तो कम से कम ये लोग मान रहे हैं ना, स्थिति तो दो दिन दिखाई देगी ना कि किस तरह की स्थिति सड़कों पर दिखाई दे रही है। जब घर में शादी पड़ता सजावट होता तो सजावट का माहौल दिखता है, तो इवेंट मैनेजमेंट था तो दो दिन सजावट का माहौल दिखेगा। तो इवेंट मैनेजमेंट में बड़े माहिर हो गए हैं आप बीजेपी वाले।
बीजेपी वाले जनता का और बनारस के लोगों का दिल जीतने में माहिर है। ये कल परसों भी दिखाई दिया, 19 तारीख को भी दिखाई देगा और 23 को भी दिखाई देगा। और जहां तक इनकी बात है, इनको कांग्रेस के लोगों को बहुत बेचारा मत समझिए। देखिए, दिल्ली वालों ने नहीं पूछा, समझौता नहीं किया। ये बहन जी जो हमारी दीदी कलकत्ता में, उन्होंने नहीं पूछा। यहाँ भी उनकी स्थिति खराब, उड़ीसा में भी खराब। तो बहुत ज्यादा इनको आप गठबंधन के लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी मिल रहा है। इसमें से आप चाहते हैं कि बेचारे खुश होंगे साहब, चाहे नहीं फायदा मिलेगा। अभी तो मैं 10 दिन पहले इन लोगों के साथ ही था, मैं 10 दिन पहले इन्हीं लोगों के साथ था। अब इन लोगों के घर में जो झगड़े हो रहे थे राजेश मिश्रा जी को लेकर के, राजेश पति जी को लेकर के, ये जो आपसी रोज के परिवार वहाँ खजूरी कालनी और फलाना जो झगड़ा हो रहा था, इन लोगों के झगड़े को देख करके हमारे जैसे एक दो नहीं, पचासों बड़े कांग्रेसी छोड़ करके चले आए हैं भाजपा में, हम लोगों ने ज्वाइन किया है। और एक बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। आप राजेश मिश्रा से पूछ लीजिएगा, उनके वल्दियत के खाने में किसका नाम है? प्रमोद मिश्रा उनके वल्दियत के खाने में नाम है, जाके पूछ लेना। हाँ चलिए ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि जो लड़ाई और आपको अलग रखा गया है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? किस लड़ाई से हमको अलग रखा गया है? आप उदाहरण दे रहे थे दिल्ली का, बंगाल का। हमने मना किया है कि हम जनता की आवाज है, हम आमने सामने लड़ाई लड़ेंगे और आमने सामने लड़ाई लड़ रहे। यानी ऐसी जनता की आवाज क्या नक्कार खाने में तूती की तरह बोल रही है? नक्कार खाना का अभी तीन स्टेप देखिए, जनता ने किसको में कि हम देश के विकास पुरुष हैं, हम देश में एकदम आपको सबको स्वर्ग कर देंगे। देश में कहां है फायदा, क्या हो रहा है? सारा का सारा 36 व्यापारी हिंदुस्तान का पैसा लेके भाग गए, जो कि काला धन लाने वाले थे मोदी जी। 36 व्यापारी हिंदुस्तान का हजारों करोड़ रुपया लेके भाग गए। राफेल व्यापारी किसके समय में बने, आप उठा के देख लीजिए। व्यापारी किसने बनाया उन्हें, बड़ा बिजनेसमैन या काला धन कमाने का मौका किसने दिया? ऐसे तो आप कहेंगे तो 12 साल नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी का, बारह साल होने के नाते, कहीं केंद्र सरकार के नाते, कहीं आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा उन गुजरातियों पर। आप बताइए ना। हाँ, आप हमारे किसका, उस समय उन लोग के मामले हाँ, सामने नहीं थे। आप नाम भी लेंगे? मैं नाम लेता हूँ। हाँ, जिस अडानी वगैरह पर आप आरोप लगाते हैं, उसी अडानी को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ठेका दिया 10 दिन पहले। फिर कौन किसके साथ, किसके साथ की बात कीजिए? मैं आपके पास जवाब ले लीजिए, आपने उसका पूरा जवाब ले लीजिए। जो जितने व्यापारी भागे हैं उसमें से 95% गुजरात के, और गुजरात के बैंक। आपने क्या किया 60 सालों में ये बताइए ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं भी छापा मार सकता है, यानी कि आपकी सरकार ने उन्हें बनने का पूरा मौका दिया? नहीं नहीं, हमारी सरकार ने, हमारी सरकार ने जवाब ले लीजिए, ले लिया मैंने, छोड़ आप एक हिंदुस्तान, आप बैठे लोगों को नहीं मालूम है, आपको हिंदुस्तान नहीं पता है, यहाँ के लोग बताओ काटिएगा, आपके अंदर काटिएगा, तो सब अज्ञानी बैठे हैं। आप बात क्यों, अपनी बात कर दिया होता इनके साथ व्यापार, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापारी जाता है और वापस नहीं आता है, और आज तक हिंदुस्तान नहीं आया है। आपको नाम भी मालूम है, आप उस जिम्मेदारी से उस नाम को कहिए। यही कारण है कि प्रियंका गांधी यहाँ पर नहीं आई है जी। क्या आपका वो जो दल है, क्या वोट कटाऊ के तौर पर बीजेपी को फायदा देने के लिए आया जी? नहीं, निश्चित रूप से हमारे जो सिपाल जी हैं वो लगातार जो है ये फर्जी राष्ट्रवाद का जो एक बड़ा खेमा है पूरे देश के अंदर, उसके खिलाफ लगातार वो जब से दल अलग किए और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते आए। दूसरी बात, आप जो ये कल कह रहे थे कि नमो उत्सव मनाया गया, निश्चित रूप से ये नमो उत्सव था, लेकिन इसका अंदाज बदला हुआ था। ये जो भीड़ आप देख रहे थे बनारस के सड़कों पर, ये पहली भीड़ तो बाहर से आयातित भीड़ थी, पूरा मैनेजमेंट का भीड़ था। दूसरा, प्रचार सामग्री उसमें आप देखेंगे तो गुजराती भाषा का, हिंदी भाषी देश प्रदेश में गुजरात का, ठीक है ये भी इनके राष्ट्रीय एकीकरण की बात कर लेते हैं, वहां जो भीड़ थी वो भीड़ इसलिए गई थी, मेरी बात सुनिए, जो भीड़ आप दिखा रहे हैं वो आपके समर्थक नहीं थे, जो भीड़ जो वो आपके समर्थक थे, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ आप क्यों गए थे। देखिए, या तो बोलने दीजिए, तो आप बोलिए, मैं तो आपको बोलने दीजिए। वो जो भीड़ थी वो भीड़ नरेंद्र मोदी को इसलिए देखने गई थी कि 14 में 15 लाख के बजाय अब 30 लाख आने वाला है, यही व्यक्ति देगा। पुलवामा का जो हमला है, पाकिस्तान में घुस के नहीं अब चीन में
घुसने का एक जुमला फिर से मिलेगा। ये वही प्रधानमंत्री है जो कालाधन है, कालाधन के साथ साथ सफेद धन भी जो है अब बैंकों के खाते से बाहर निकल के सत्ता के गलियारे में जाकर के नाचेगी। इसलिए ये वही व्यक्ति है जो पूरे देश को ठगता है, जो पूरे देश के सेना के साथ मजाकिया लहजा करता है, बेरोजगारी के सवाल पे मुंह मोड़ता है, महिला सुरक्षा के सवाल पर अपना पीठ दिखाता है। सवाल ये बताइए, ठीक है मैं समझ गया, आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो प्रधानमंत्री के तौर पर किसका समर्थन? निश्चित रूप से गठबंधन और विपक्ष और सिद्धांतों के आधार पर, मुद्दों के अखिलेश हम अब गठबंधन हमारा तय करेगा नहीं, आप बताइए ना आपका गठबंधन ने तो आपको लिया नहीं, अखिलेश का सपोर्ट करेंगे आप? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, निश्चित रूप से अखिलेश का सपोर्ट करेंगे। आपातकाल इस देश में है, उसके खिलाफ कोई भी चेहरा आएगा हम उनके साथ पूरी ताकत और पूरे शिद्दत के साथ खड़े होंगे और देश की मर्यादा। सीधा जवाब दीजिए, आप बयानबाजी ज्यादा कर रहे हैं, सीधा सीधा जवाब जी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का माहौल है और जो बनारस में काम की बात हो रही है वो काम हुआ है? बिल्कुल, बनारस में कहीं कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ काम के नाम पर बाबतपुर जो रोड है वही हुआ है, उसके अलावा लेकिन नहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी इस दौरान एक नेता पैदा नहीं कर सकी बनारस में कि मोदी को टक्कर दी जा सके? नहीं, बनारस में बहुत तो एक नेता नहीं मिला कि कांग्रेस से लाकर आपको चुनाव लड़ाना पड़ा? नहीं नहीं, वो हमारे दल में आई, उस दल में आने का तुरंत आ गया। यानी कि 5 साल में आपको एक नेता या आपके रूप में भी कोई नेता नहीं मिला है? नहीं, ये पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामला पार्टी का नहीं होता, पार्टी का सार्वजनिक मामला होता है। वो हमारे दल में आई, उनका सम्मान है। और रही बात, पार्टी ने कुछ सोच समझ के उनको टिकट दिया होगा जी। चलिए ठीक है, आप बताइए, ये सवाल मैनेजमेंट का आ रहा है, क्या मैनेजमेंट में कांग्रेस कहीं पीछे रह गई है? नहीं, कांग्रेस कहीं पीछे नहीं भाई साहब। नहीं आप बोलिए, कांग्रेस कहे भी पीछे नहीं रह गई है। मैं दो उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, एक मोदी जी कल का भी, अभी आपने कहा डिबेट शुरू होते ही बनारस में मोदी जी का वेव चल रहा है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, के लिए प्रियंका गांधी नहीं आते हैं? मेरी बात देखिए, प्रियंका को क्यों नहीं लेकर? लेकिन सुन लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद भी इनको आज बनारस की सड़कों पे पूरे एनडीए का प्रदर्शन करना पड़ा। इसका मतलब कि मोदी जी की नैतिक हार होने जा रही है बनारस में, पूरा एनडीए उतार दिया बनारस की सड़कों पे। अगर मैं अच्छा हूँ, मेरा काम बोलना है, इनका काम देखना है। इन्होंने 5 साल में 4 गांव गोद लिया है बनारस में, उन 4 गांवों की दुर्दशा जाके देख लीजिए, आपको कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा सवाल आपने सुना ही नहीं, प्रियंका को क्यों नहीं लाए कि हार का डर कि मोदी के सामने प्रियंका शुरू होने से पहले कैसी रणनीति है? ये कैसी रणनीति है? अगर मोदी के खिलाफ आप इतने ही हैं, मोदी को हटाना चाहते हैं तो राहुल को उतार देते, राहुल जी टक्कर देते ना, प्रियंका को उतार देते, आप इंतजार करिए। 19 मई को अजय राय बनाम मोदी, बहुत जोरदार टक्कर होने जा रही है और उसका या सार्थक परिणाम आपको क्या एक आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है कि एनडीए को लाना पड़ा कि हार का डर, क्या मोदी का जादू खत्म हो गया कि सारे एनडीए यहीं पर आ गया? देखिए एक चीज हम ये कहना चाहेंगे, ए भाई पहले मर्यादा बनाए रखिए, है आप अपनी बात कीजिए। देखिए ऐसा है कि मैं एक मिनट के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, 5 साल तक कुछ नहीं किया उन्होंने, न सड़क बनवाया, न बिजली बनवाया, न उन्होंने विकास का कोई काम किया। उसके बाद भी जब चुनाव होता है तो इनकी जमानत जब्त, चुनाव जीतते हैं, बहुमत से चुनाव जीतते हैं और ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते हैं। ये क्या है? ये केवल बैठ करके अभी हमारे भाई समाजवादी पार्टी से टूट करके बगल गए और कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब कि आप अपने उम्मीदवारों के प्रति आपकी राय अच्छी नहीं है? आप नहीं बेटा अभी बोले हैं ना, इसका मतलब नहीं नहीं तो उठे उठे तो अखबारों में कह दिया। ये ऐसी विपक्षी एकता है जिनको विपक्ष अपना नहीं मान रहा है। बिल्कुल, मैं जी आप बताइए, क्या काम सच में जो रोड शो हुआ उसका असर देखने को मिला यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा, लोग कह रहे हैं कि जनता बुलाई गई थी, तो वो देश की ही तो जनता थी, इंग्लैंड से बुलाई गई थी, मेरा पहला बात। दूसरा मेरा क्वेश्चन सर ये है कि समाजवादी पार्टी से क्वेश्चन है कि क्या मंचों से चड्डी बनियान का रंग बताने वाले सर्वोच्च सदन में जाएंगे या संस्कारिक लोग सदन में जाएंगे? सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं, प्रमोद शुक्ला जी से भी कहना चाहेंगे कि यह बनारस है,
ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी ने काशी मथुरा अयोध्या तीन मुद्दा बनाकर आए। हिंदुस्तान पे राज इन्होंने किया, प्रदेश पर राज किया, काशी मथुरा अयोध्या तीन मंदिरों को बनाने की बात है। तीन मंदिर तीन लोगों ने बनाया नहीं, 3000 मंदिर घाटों किनारे 3000 घरों को उजाड़ दिया इन लोगों ने। 19 तारीख को बनारस की जनता इनको जवाब देगी, ऐसा इन्होंने क्यों किया है? क्या जवाब मिलेगा रोड शो का? देखिए मोदी जी, मुझे लगता है यहाँ से जीतेंगे। एज ए एमपी उन्होंने बनारस में काम अच्छा किया होगा, मैं यहाँ की नहीं हूँ तो इसलिए मैं बता रही हूँ, बट एज ए पीएम वो देश की भावनाओं पे खड़े नहीं उतरे। उन्होंने 2014 में जो वादा किए थे कश्मीर मुद्दे का उन्होंने कोई सार्थक हल नहीं निकाल पाए, है ना? हाँ, मुझे बहुत निराशा। आतंकवाद केवल 2.5 जिला तक सीमित रहा, जो कांग्रेस के समय पूरे देश में आतंकवाद था। अब भ्रष्टाचार पूरे देश में, चाहे 2G चाहे 3G चाहे 4G चाहे डिफेंस में, भ्रष्टाचार का कांग्रेस जननी था। शिक्षा का कांग्रेस बाजारीकरण कर दिया था, अब राजनीति का अपराधीकरण कर दिया था कांग्रेस। यहाँ जमानत भी जब्त होगा, यहाँ 40,000 से अधिक वोट भी नहीं पाएंगे, और पूर्वांचल नहीं पूरे हिंदुस्तान में कैंडिडेट ही ऐसा उतरा है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से वही कैंडिडेट जिसकी जमानत जब्त हो गई। हालांकि कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार दिया गया है, लेकिन उसका क्या हाल होगा या आने वाला समय बताएगा। बनारस की जनता जो रोड शो में दिखाई दी, एक पैर रखने तक की जगह नहीं थी, तिल रखने तक की जगह नहीं थी, वो रोड शो में जो हाले बयां था वो सबके सामने है।